कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में कुल आंकड़े 10,000 से पार हो गए हैं। प्रशासन लगातार कोरोना वायरस से लोगों के बचाव हेतु जागरूकता मिशन चला रहा है। नैनीताल डीएम सविन बंसल ने कोरोना सुरक्षा हेतु जनता से सहयोग की अपील की है। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि सभी लोग 2 गज की दूरी, मास्क अनिवार्य व समय समय पर सैनिटाइज एवं अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ रखें। किसी भी गली मोहल्ले में कोरोना संक्रमण संदिग्ध की आहट संज्ञान में आती है तो वो तत्काल उसकी सूचना जनपद में स्थित COVID-19 कंट्रोल रूम नंबर 05946-281-234 पर दे सकते हैं। सभी निगर निकायों को अपने अपने क्षेत्र में लोगों को COVID-19 संक्रमण के बारे में लाउड स्पीकर के माध्यम से जागरूक करने के लिए भी डीएम ने निर्देश दिए हैं। आपदा के चलते उत्तराखंड में हर साल नुकसान होता है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस विषय पर काफी गंभीर हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस अवसर पर उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा एवं राहत व बचाव कार्य जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में फॉरेस्ट फायर और लैंडस्लाइड जैसी प्राकृतिक आपदाओं से अधिक नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के तहत बनाई जाने वाली योजनाओं में वनाग्नि जैसी प्राकृतिक आपदाओं को शामिल किया जाना चाहिए। दूरस्थ क्षेत्रों में राहत कार्य पहुंचाना भी एक चुनौती है। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से युवा मंडल दलों एवं महिला मंगल दलों को आपदा की परिस्थितियों में राहत एवं बचाव कार्य के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे घायलों को फर्स्ट एड देने जैसे प्रशिक्षण भी शामिल हैं। पहाड़ी इलाकों के अनुरूप आपदा योजना बनाई जाए। आपदा की गाइडलाइन के मुताबिक पहाड़ों में अधिकतर मकान कच्चे हैं। ऐसे मकानों को कच्चा मकान कहा जाता है, जिससे आपदा प्रभावित को कम आर्थिक मदद प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में इस प्रकार के मकानों को पक्के मकानों की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। मंगलवार को उत्तराखंड में कोरोना वायरस के 411 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 169 मरीज ठीक हुए हैं। सबसे ज्यादा 143 मामले हरिद्वार से सामने आए। इसके अलावा अल्मोड़ा में 36, चंपावत में 8, देहरादून में 82, नैनीताल में 49, पौड़ी में 9, रुद्रप्रयाग में 3, टिहरी में 39, ऊधम सिंह नगर में 32 और उत्तरकाशी में 10 नए मामले सामने आए हैं। मंगलवार को राज्य में एम्स, ऋषिकेश और सुशीला तिवारी हॉस्पिटल से मौत के एक एक मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड में कोरोना वायरस का कुल आंकड़ा 10,432 हो गया है। इनमें से 6,470 मरीजों ने कोरोना वायरस को हराया है। राज्य में मौत का आंकड़ा 136 हो चुका है।